Welcome to yet another episode of Bindaas Ye Hai Aashiqui. You know, कैसे अनजान राहों में दो अनजान लोगों की मंजिल एक हो जाती है, ये आशिकी का एक और पहलू. Well, हमारी कहानी में आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो है करण और प्रिया. करण और प्रिया तो अलग अलग लोग, जिनकी आइडियोलॉजीज अलग, जिनकी सोच अलग, जिनकी फिलोसफीज अलग. बट वो कहते हैं कि ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट. तो कैसे प्यार इन दोनों को अपने अपने फर्क को नजरअंदाज करवा के एक दूसरे के और करीब लेकर आता. Let's watch. हेलो पापा, कैसे हैं आप? जब मेरी लाडली बेटी मुझसे इतनी दूर हो तब मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? ओफो पापा, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम आपको और मिस करेंगे ना. वैसे कानपुर लखनऊ से बहुत अलग होगा, है ना? हाँ, कानपुर लखनऊ से थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें क्या हुआ, हम भी तो सबसे अलग है ना. और अगर शहर अलग है तो क्या होगा, हम उसे अपना बना लेंगे. मुझे पूरा विश्वास है, पर तुम्हारे बगैर घर कितना सुना सुना सा लगता है. पापा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, और अभी हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं. फुर्सत में करेंगे ना आपसे. कॉलेज पहुंच गए, ठीक है, चलिए रखते. कहा बे, कहा था ना तुमसे पूरे कॉलेज में एक एक पोस्टर लग जाना चाहिए, तो फिर ये दीवार काहे खाली छोड़ दी? भाई, मैं लगाने ही वाला था. फिर साले हमसे जमाना लाता है, हमसे. फिर से नाराबाजी ढोकसलीबाजी शुरू हो गई इस कॉलेज में. करण और उसकी पार्टी के चुटले खत्म ही नहीं होते. जाओ भाई, अभी तो हमें सिखाएगा तेरी तो. मुझे समझ नहीं आता इस कॉलेज में जीएस सिलेक्शन का फायदा ही क्या है, जब करण को टक्कर देने के लिए आज तक कभी कोई खड़ा ही नहीं हुआ. इलेक्शंस के नाम पे ये सब भी होता है कॉलेज में? और नहीं तो क्या, हर बार करण की पार्टी और वो अकेले जीएस सिलेक्शन लड़ते है. भाई शांत हो जाओ भाई. अबे साले, तू हमें सिखाएगा शांत होने के लिए? मैया कसम फोड़ के फेंक दे. कैसे बेगैरत इंसान है आप, जब वो कह रहे कि वो पोस्टर्स लगा देंगे फिर भी आप उन्हें पीटे जा रहे. पोस्टर्स के लिए किसी के साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्या? जानती है तू किससे बात कर रही है? एक शैतान से, जिसे इंसानियत और उसूल का कोई मतलब नहीं मालूम. अच्छा, तो तू इस कॉलेज में मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाएगी? अरे ये देखो, तुम्हारे कॉलेज की नई टीचर. मारा मारी करके दादागिरी दिखाना उसे हिम्मत नहीं, कमजोरी कहते. छोटे रुक. रुक जा. छोड़ दे इसे, लड़की है. भैया इस लड़की की मचाल देखिए. कहा ना एकदम चुप. बड़े भाई की बात डालेगा तू? कभी टाले हैं हम आपकी बात? कहां से है तू? लखनऊ. नहीं हो जी. तो हमारी तमीज सीखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा भाई, पर तब तक चुप तो रह सकती है ना. सुनो, चलो मेरे साथ. कहाँ? चलो तो सही, बताती हूँ. भैया प्रणाम. मोटे कहाँ है बे? अरे गुस्सा पर काबू करना कब सीखोगे बे तुम? आपने वो लौंडे की मचाल देखी? वो लौंडे ने हमसे पूरे कॉलेज में ऊंची आवाज में बात की. बस छोटे, बिना कुछ बतियाए सबे कुछ कह देना, ये होती है राजनीति, समझे? तुम इतना जल्दी अपना होश खो दोगे तो सत्ता कैसे जमाओगे बे? भैया हम आपसे कह देते हैं, उससे हम नहीं. बड़े भाई हैं हम, जब कह रहे हैं चुप्पा सुनो बस.
कि जीएस इलेक्शन जीतना कितना मायने रखता है हमारे लिए ये बताने की जरूरत नहीं है हमें, और आगे से जोश के साथ साथ बहुत से काम लेना सीखो, समझे? ये याद रखेंगे आगे से हम भी। हमें यहाँ किसने बुलाया? मैंने। I'm the cultural head. Oh, तो वो तुम ही हो जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिए। मतलब ये मारा मारी करके दादा के लिए दिखाना उसे हिम्मत नहीं, कमजोरी कहते। ये तो अभी हुआ बाहर, तो आपके पास कैसे? आग को फैलाने के लिए एक दिन का ही काफी होता है, वैसे तुम इस लड़ाई के लिए एकदम सही हो। लड़ाई? क्या बोल रही है? जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए लड़े, इस बार तुम करण के खिलाफ लड़ोगे। हम? देखो, अब तुम चुप बैठोगी तो करण जैसे लड़कों को हिम्मत मिलेगी। करण को सबक सिखाने के लिए तुम्हें ये चुनाव लड़ना होगा, तुम्हें ये साबित करना होगा तुम चुप बैठने वालों में से नहीं हो, कुछ कर दिखाने वालों में से। तुम रुको जरा, हम आते। हटिए हमारे रास्ते से। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि हट जा, वरना तुझे अपने रास्ते से कैसे हटाना है? अरे बहुत अच्छे से आता है हमें। इस पूरे कॉलेज में जो हमसे इलेक्शन लड़ने की जरूरत करता है ना, अरे उसका असर क्या करते हैं हम, तू तो जानती है। तो हट जा हमारे रास्ते से। हमें ना इस इलेक्शंस में और आपके मुंह लगने में कोई दिलचस्पी नहीं, पर अब आपकी इस हरकत के बाद हमने फैसला कर लिया कि हम इस इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। ऑल द बेस्ट। एक बात तो है, दाद देनी पड़ेगी प्रिया की। कॉलेज में नहीं होने के बाद भी करण को टक्कर दे रही है, मैं तो प्रिया को ही वोट दूंगी। ऑफिस भी यार, मैं भी। ओ साली कल की लौंडिया, अजय सान्याल से पंगा लेगी? अजय सान्याल से? भाई साहब, हम तो उसे पहले ही मार देना चाहते थे। बहुत फुदक रही है वो चिड़िया, पर काटने पड़ेंगे उसके। इस बार हम भी जोश से नहीं, होश से काम लेंगे। करण प्रिया की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से डरने लगा था, और तो और एक लड़की से हार उसकी ईगो को ठेस पहुंचाने के लिए काफी थी। लेकिन इन सब में करण की कोई गलती नहीं थी। अगर करण ने कोई इमोशन एक्सपीरियंस किया था तो वो था ईगो, जेलेसी, पावर पाने की जो एम्बिशन होती वो सब, और ये सारी चीजें उसने सीखी थी अपने भाई साहब से। वेल, बाकी सब चीजें तो दूर, लेकिन करण की लाइफ में प्रिया का आना क्या कोई सिग्नल था? Never know. हॉस्टल कुछ ही दूरी पे, चले जाएंगे। थैंक यू।
अगर हमें मारने से आपकी मर्दान के साबित हो जाती तुम्हारी हम लौंडिया मेरे हाथों से निकल कैसे गई? नहीं भैया, नहीं हो पाया। कहाँ नहीं हुआ बे? भैया वो कहाँ है ना कि वो हमसे हमारे आने से पहले ही चली गई। कोई नहीं, दूसरा प्लान है मेरे पास। छोटे मैंने उसके हॉस्टल के बाहर अपने आदमी तैनात कर दिए हैं। तो फिकर नहीं कर, काम तो आज ही होगा। तो भाई साहब के प्लान से खुश होना चाहिए। एकदम सही तो कह रहे हो, पर मुझे खुशी नहीं, डर सा लग रहा है। प्यार ही एक ऐसा लौता इमोशन है जो नफरत को मिटाने की ताकत रखता है, और करण भी कहीं ना कहीं इस इमोशन से वाकिफ हो रहा था। He was experiencing it, but वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी फीलिंग है जो उसने इसके पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वेल, वो जरूर प्रिया से जेलस था, इनसिक्योर भी था, लेकिन मौका मिलने पर भी उसने प्रिया को हर्ट नहीं किया। He could have. यहाँ हम यहाँ कैसे? बेहोश हो गई थी तुम। देखो घबराओ मत, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो। शुक्रिया हमें बचाने के लिए। काफी खून निकल रहा है तुम्हें, ये कुछ दवाइयां हैं, लगा लेना। अच्छे हैं आप,
फिर ये बुरे होने का दिखावा क्यों? दिखावा? जी, बुरा मत मानना, पर क्या आप अपनी अच्छाई छुपाने के लिए दूसरों को डराते हैं या लोगों को डराने के लिए अपनी अच्छाई छुपाते हैं? हम डराते हैं। जी, अगर सबको पता चल जाता कि आप सबका ऐसे ही ख्याल रख सकते हैं जैसे आपने हमारा रखा, तो कोई आपसे डरेगा नहीं, आपसे प्यार करेगा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि हमसे लोग डरते हैं? अगर हमसे लोग डरते ना, तो फिर कॉलेज में नहीं आते, बस अपने घर पे ही बैठते। सही कहा आपने, घर पर बैठे रहते। अगर अटेंडेंस की प्रॉब्लम ना होती तो। काफी खून निकल रहा है तुम्हें, तुमने तो दवाई लगाई नहीं, हम ही लगा देते हैं। तो फिर तुम भी डरती हो हमसे? डरती थी, अब नहीं। अगर पहले ही पता होता आप इतने अच्छे हैं, तो आपके खिलाफ इलेक्शंस में खड़ी ही नहीं होती, बल्कि सबको आपकी अच्छाई के बारे में बताती, आपको इलेक्शन जीतने में मदद करती। अच्छा, और क्या क्या करती? और आपको कॉलेज के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बताती। जीएस इलेक्शंस ना स्टूडेंट्स की भलाई के लिए होता है, उन्हें डराने के लिए नहीं। आपकी पार्टी आपका इस्तेमाल कर रही है, एक बार मतलब निकल गया तो ना ही आपको मुड़कर देखेगी और ना ही आपकी इज्जत करेगी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी कोई इज्जत नहीं करता? अरे सब बहुत इज्जत करते हैं हमारी, बहुत मान सम्मान है हमारा। आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, क्यों? क्योंकि जिसे आप इज्जत कहते हैं वो इज्जत नहीं, चमचागिरी करना। इज्जत करना और इज्जत का दिखावा करना, दोनों में बहुत फर्क है। जो लोग आपके सामने मुंह बंद करके बैठे, वही लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते। सिर्फ डर देखा हमने सबकी आंखों में आपके लिए। या लोगों को डराने के लिए अपनी अच्छाई छुपा, अगर सबको पता चल जाता आपसे प्यार करेगा, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए और आपका सीक्रेट हमारे साथ बांटने के लिए। आपके अंदर जो अच्छाई छुपी है वो एक सीक्रेट ही तो है, पर ये राज अगर आप सबके साथ बांटेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अच्छाई छुपाने के लिए नहीं, बांटने के लिए होती है। जितना बांटेंगे उतना वापस मिलेगा। एक बार फिर मदद के लिए शुक्रिया।
हाँ भैया। वो लौंडिया कल कॉलेज से हॉस्टल नहीं लौटी। भैया ये जो आपका प्लान है ना, ये आप फिलहाल रहने दीजिए ना। छोटे ये क्या कह रहा है तू? नहीं भैया, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि वो लड़की को जिस तरह पटरी पर लाना है हम जानते हैं, और हम खुद कर लेंगे वो। तू कैसे लाएगा बे पटरी पर? भैया आपको हम पर भरोसा नहीं है? हम पर? पर काम हो जरूर जाना चाहिए। जी भैया। ये हो क्या रहा है मुझे? भैया से झूठ बोलने लगा मैं? सब पेम्पलेट वगैरह जो भी है शाम तक अजय भैया कर देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल मत शर्माना भैया से, जाओ जाओ। क्या बात है, सबका डर एकदम छू मंतर कर दिया आपने तो। ये तो कमाल हो गया। हाँ देखिए, सही कहे तो कमाल तो आपने किया है, सिर्फ दो दिन में हमें पूरा बदल डाला, और अब तो और बदलने का दिल करता है हमारा। तो कहिए ना, बदलेंगी हमें? भैया, भाई साहब बुला रहे। जाओ हम आते हैं। रानी कतरे में भैया जी। रानी को तो घर से उठा लेंगे। भैया प्रणाम। अबे हो का गया है तुम्हें? वो यादव भी बता रहा था, खूब भाई चमचागिरी करने लगे हो आजकल स्टूडेंट्स की है? ना कटा कर जीतोगे का, या वो लौंडिया को जिताने का प्लान कर लिया हो? कहीं प्यार व्यार में तो नहीं पड़ गए तुम उसके? अरे नहीं भैया, क्या बात कर रहे हैं आप? तो खत्म का ही नहीं किया है उसे अभी तक। बड़ा भाई जिसे मारने की बात कर रहा है। देखिए भैया, हम भी आप पे आपसे इस मुद्दे पे एक छोटी सी बात करना चाहते थे भैया। हम क्यों ना इस बार एक ये इलेक्शन जीएस इलेक्शन एक अलग तरीके से लड़ें। अच्छा बताओ भाई कौन सा तरीका? जी हाँ भैया, मतलब स्टूडेंट्स के मुद्दों के लिए
क्यों ना हम इस बार अपने बलबूते पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश करें। अब आप बताइए कब तक ये स्टूडेंट्स को मारेंगे पीटेंगे, क्या फायदा होगा इसका? बौखला गए हो का? ये बेफिजूल की बात कहाँ ही कर रहे हो हमसे? भैया देखिए, हम बेफिजूल की बातें नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं ना 100% सच कह रहे हैं। भैया हर साल हम अपना ईमान बेचकर वोट खरीदते आए हैं हर साल भैया, लेकिन और नहीं, अब हमें पैसे का साथ नहीं चाहिए, हमें इन स्टूडेंट्स का और कॉलेज का साथ चाहिए। भैया आप बताइए, अगर ये सारे स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ हो गए तो फिर हम इलेक्शन जीतने के बाद काम किसके लिए करेंगे? बिना सर पैर की बातें काहे कर रहा है तू हमारे साथ? एक कंटाप देंगे ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। समाज सेवा गई तेल लेने, पैसा चंदा ये तुम्हारे स्टूडेंट्स नहीं देंगे हमको, हमें हमारी पार्टी के लिए स्टूडेंट्स फंड चाहिए बस, समझा? लेकिन भाई साहब पैसा तो बहुत है हमारे पास ना। करण, हमें इलेक्शन किसी भी कीमत पर जीतना है बस, समझा? लौंडिया का काम आज ही तमाम होना चाहिए, समझे? भैया भैया लेकिन प्रिया को मारने का क्या फायदा? ना छोटे ना, हमारा काम में टांग मत अड़ा तू, चलो बे। प्रिया, हाँ पर जाति के नाम पर ऐसे भेदभाव करना कहाँ से सेक्युलर हुआ? सही है, चलो तो मिट काम है तुमसे। कहा? अरे हमने कहा चलो। अरे और किसी को बताना मत प्रिया कहाँ पर है। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद किया आपने? हमने कहा चुप, चुप हो जाओ, खतरे में है जान तुम्हारी। क्या, आपको कैसे पता? कौन मारना चाहता है हमें बताइए, कौन मारना चाहता है हमें? हम ए, प्रिया को देखा क्या? प्रिया को निकलते देखा क्या तूने यहां से? चला, हम मारना चाहते तुम ताकि इलेक्शन से पहले तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाए। प्रिया को देखा क्या? प्रिया को देखा तूने? चल हट। ऐसा करो, तुम लोग नीचे देखो, हम ऊपर देखते हैं, ठीक है? कितनी गलत फहमी थी हमें आपके बारे में, आप दूसरों के सामने बुरे होने का दिखावा नहीं, हमारे सामने अच्छे होने का नाटक कर रहे थे। हमें लगा कि आप में अच्छाई है, पर नहीं, आपको तो सिर्फ अपने इलेक्शंस जीतने से मतलब है। हम अपने सपने में भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, एक पल के लिए भी नहीं। झूठ, अगर आपको हमें मारना ही था तो अब आप हमें क्यों बचा रहे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, इसलिए बचा रहा हूं मैं तुम्हें। सब जगह देख लिया? हाँ भाई, सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिली। हाँ चलो अंदर में तो मार के देखते हैं। प्यार करते आप हमसे? चाहते तो हम भी आपको थे, पर हमें ये नहीं पता था कि चुनाव की तरह प्यार भी आपके लिए सिर्फ एक खेल, जो आप अपने जीतने के लिए इस्तेमाल करते। नहीं प्रिया, पहले आपने हमें मारने की कोशिश की और अभी प्यार का झूठा नाटक, गिर सकते हैं
नफरत हो रही है हमें आपसे। कुछ सुनना समझना नहीं है हमें, जा रहे हम यहाँ से, छोड़िए हमारा, जाने दीजिए हमें। सुनिए आप भी हमारी बात, आपको जो कहना है जो करना है करिए, पर आप कहीं नहीं जा रहे यहाँ से। हम जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि हमने आपको मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन अब साला कुछ भी हो जाए ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको, कुछ भी नहीं। एक बात और याद रखिए कि आपको सिर्फ हम बचा सकते हैं, सिर्फ हम। शक्ल नहीं देखनी हमें आपकी, जाने दीजिए हमें। मत देखिए शक्ल, कितनी नफरत करनी ना आपको, कर लीजिए नफरत हमसे, हम चले जाते हैं। लेकिन आज रात आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, कह देते हम आपसे। इतने जल्दी कैसे? वो करण ने ना अपना नाम वापस ले लिया। हाँ, करण ने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि उसको लगता है कि जीएस की पोस्ट के लिए तुम परफेक्ट हो। कहाँ है करण? करण बाहर है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा। सारा रात भर तुम्हें बचाने के लिए अपनी पार्टी के आदमियों को गुमराह करता रहा। पता है तुम्हारे पास ना होकर भी उसने तुम्हारी रक्षा की है। अगर वो आज नहीं रहता ना तो शायद पता नहीं। चलो चलो चलो, अब जाते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। प्रिया की मासूमियत ने करण को एक नया इंसान बना दिया। करण अब एक अच्छा और एक बदला हुआ इंसान। करण इतना बदल चुका था कि वो अब प्रिया के प्यार को पाने के लिए कुछ भी खोने को तैयार। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। और इस साल की कॉलेज की नई जनरल सेक्रेटरी है प्रिया टंडन। कितनी खुश लग रही थी प्रिया, और पहली बार सही राह पर चलकर अजीब सी खुशी हो रही है हमें। बढ़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक, वो लौंडिया को जितवा के मरेगी वो आज हमारे हाथ से। भैया वो लौंडिया नहीं, उसका नाम प्रिया है, प्रिया। अच्छा, देख रहे हैं हम, नजरें उठ रही हैं आज तुम्हारी। वो लौंडिया प्रिया कब से बन गई बे? तुमको हमने बनाया है, हमने जीएस इलेक्शन से तुमने हमारी परमिशन के बिना नाम वापस कैसे ले लिया बे? लौंडिया के लिए अपना भाई से धोखाबाजी करोगे? ये आप समझ भी नहीं रहे कि धोखाबाजी दगाबाजी हम नहीं कर रहे हैं। राजनीति के नाम पे अपनी अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करना, भैया ये होती है धोखेबाजी और दगाबाजी। तो आप कर रहे हैं करण, चुप। भैया चिल्लाइए मत हम पर, चिल्लाइए मत, क्योंकि अगर हमने चिल्लाया ना तो बर्बाद हो जाएंगे आप, बर्बाद। अरे आप ही का खून है हमारे अंदर, कुछ भी करने से है ना पीछे नहीं हटेंगे, कह देते हैं आपसे। बर्बाद करेगा तू, हम का बर्बाद करेगा।
हमको बर्बाद करेगा तू। ये मार दीजिए हमें, चलाइए गोली। आप क्यों रहे हैं आप यहाँ? ये सब करके आप जीत जाए, अपने छोटे भाई की जान लेना चाहते ना? ये एक चीज याद रखना, हमारी जान है ना प्रिया की हो चुकी है, प्रिया की। ये जो हमारी जिंदगी है ये प्रिया की अमानत है, और इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। प्रिया कहाँ नाम से? चलाइए गोली भैया, हमारी खत्म कर दीजिए हमें। अरे मार दीजिए हमें, ताकि आपके कलेजे को ठंडक पहुंचे और आप जीत सके। प्रिया से हम प्यार करते थे, करते रहेंगे। ना भैया, ना हो पाएगा आपसे। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो। छोड़कर जा रहे आप हमें? तुमने तो कहा था जो हम कहेंगे वो करेंगे आप। प्यार तो हम अभी भी करते हैं आपसे। देखिए, हमने कहा था आपसे कि आपके लिए हम पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं। तो फिर वादा कीजिए आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। सच्चा वादा करता हूँ मैं आपसे कि हम आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रिया और करण कैसे दो अलग अलग लोगों की मंजिल को प्यार ने एक कर दिया? And didn't I always say कि opposites attract? You know, सच्चा प्यार वो होता है जो आपको एक अच्छा इंसान बना, जैसे प्रिया ने करण को कर दिया। And opposites always attract. What? ये है आशिकी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful love story. Till then, keep falling in love, guys. I'll see you next week. हमारी भी कहानी कुछ ऐसी शुरू हुई थी। मैं इसे एक साल पहले मिला था। मैं अपने कॉलेज में जीए सिलेक्शन जीतते आ रहा हूँ, लेकिन फिर कॉलेज में मैं आई थी। छोटे शहर से, लेकिन सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों के लिए मैंने काफी मेहनत भी की। आई थिंक वही मेहनत मेरी रंग लाई जब कॉलेज फैकल्टी ने मुझे नोटिस किया एंड मैंने सोचा कि चलो मुझे ये करना नहीं है, आई डिसएग्री। लेकिन फिर मैंने देखा कि राघव अकेले खड़े हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई। जीए सिलेक्शन के भागदौड़ के बाद भी दृष्टि मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद नफरत मेरे लिए प्यार में बदलने लग गई थी। मैं उसके पास चला गया और मैंने मेरी दिल की सारी बातें और मेरी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग बता दी। वो गुस्से से उठ के चली गई। लेकिन राघव इलेक्शन जीत गए जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो ये कि वो अनाउंसमेंट के बाद राघव स्टेज पे गए और उन्होंने सबके सामने जाके अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग सबको बयां कर दी। मेरे एक्शन से सब लोग सरप्राइज थे। मैं फिर दृष्टि के पास पहुंचा, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे हाँ बोला और देखिए आज हम साथ में। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि हमारे एपिसोड्स आर मेकिंग यू फॉल इन लव विद अस एवरीडे। पर अगर हमारे एपिसोड्स के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे बात करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट bindastv #, ये है आशा।